तो आज्ञा चक्र कहाँ पर है? यहाँ हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में जो ग्लैबुला है वहां पे हमारा आज्ञा चक्र है, जो दो पेटल्स का बना है, इंडिगो कलर का है, और कौन से तत्व का है? लाइट तत्व, गुरु तत्व का है, और इसे कौन सा प्लैनेट रेगुलेट कर रहा है? गुरु प्लैनेट जुपिटर बृहस्पति। और किसको कंट्रोल करता है? ये हमारे पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारे आईज को, हमारे ईयर्स को, हमारे बेस ऑफ स्कल को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमारे सेरिबेलम को, ये सब को, ये पूरा, ये जो रीजन है, ये रीजन को पूरा हमारा आज्ञा चक्र कंट्रोल करता है। तो जिसका आज्ञा चक्र स्ट्रांग नहीं है उसे क्या होता है? उसे आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, हेडेक्स बहुत आते हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, और स्लीप डिसऑर्डर्स है, आजकल ये बहुत कॉमन है। मैक्सिमम लोगों को मैं पाती हूँ कि बिना स्लीपिंग पिल्स लिए वो सो ही नहीं पाते। मतलब जो हमारी सबसे नेचुरल चीजें हैं, एक्सक्रीशन एकदम नेचुरल है बट लोगों को इतना कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो गया है, स्लीप नेचुरल है बट लोगों को स्लीप प्रॉब्लम हो गई है, सांस लेना नेचुरल है बट लोगों को इतना एस्मा हो गया है, सांस की प्रॉब्लम हो गई है। तो जो हमारी नेचुरल फंक्शंस है, कभी कोई जानवर को देखा है जो बोले अरे मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, अरे मुझे नींद नहीं आ रही, अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा? आज तक कभी कोई जानवर नहीं मिला जिसको इस तरह की प्रॉब्लम्स हुआ। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये सब हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। तो बहुत, और प्लस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के साथ हमारी मेंटल, जो हम इतने जो इमोशनल बैगेज अपने अंदर क्रिएट कर लिए, हमने अपने चक्रास को ब्लॉक कर लिए, इतने कार्मिक बैगेज हमने इकट्ठे कर लिए, ये सब के कारण जो चीज एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब इंसान तो परफेक्ट होना चाहिए, अभी हम किस किस लिए अटक रहे हैं भाई? एक्सप्रेशन बराबर नहीं हो रहा, रेस्पिरेशन बराबर नहीं हो रहा, नींद नहीं आ रही, हम इसमें अटक रहे हैं। अरे भगवान ने इंसान को बनाया हायर लेवल कार्य करने के लिए, हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करना था इस पृथ्वी पे आके, इसलिए उन्होंने हमें इतना स्पेशल बनाया था, बट हम आके क्या हो गए? अपने डेली नीड्स के साथ ही हम अटक गए, उसी को हम प्रॉपरली कर नहीं पा रहे, उसी को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहे। इट्स एक्चुअली शेम टू अस, इट्स एक्चुअली शेम टू अस, टू ऑल ऑफ अस, कि हम इतना जो मॉडर्न होते जा रहे हैं, इतना प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, बट एट वॉट कॉस्ट? वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, कि हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब पेड़ जितना ऊंचा क्यों ना हो, अगर वो अपनी जड़ों को भूल जाए तो धराशायी हो जाएगा। जड़ सबसे इंपॉर्टेंट, तो पेड़ जितना ऊंचा होता है आप उसकी देखना, उसकी जड़ें उतनी ही स्ट्रांग, उतनी फैली, उतनी डीप होती है। लेकिन मनुष्य उल्टा कर रहा है, वो जितना ऊंचा जा रहा है अपनी जड़ों को उतना कमजोर करता जा रहा है, अपनी जड़ों को छोड़ता जा रहा है। तो बहुत जरूरी कि ये जो हमारे अंदर हमारे जो चक्र हैं, जो ये सब हमारे सनातन की देन है, ये सब हमारे शास्त्रों की देन है, और हम उन्हीं को इग्नोर कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्या है, हमें पता ही नहीं है क्यों हो रहा है। वी नीड टू गेट बैक टू आर रूट्स, जो हमारे सिंपल बेसिक हमारे जो प्रिंसिपल्स है, क्षमा के प्रिंसिपल्स है, रात्रि भोजन के प्रिंसिपल्स है, उपवास के प्रिंसिपल्स है, मौन के प्रिंसिपल्स है, सामायिक के प्रिंसिपल्स है, हम सबको अब एक खाली फॉर्मेलिटी की तरह कर रहे हैं, टिक मार्क, एक चेकलिस्ट बन गई है। हाँ टिक 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 टिक, हाँ 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 हम कर रहे हैं। नो, कई लोगों को देखते हो रात्रि भोजन का त्याग है, लेकिन ठीक है अनाज नहीं खाते, लेकिन गबा गब फल खा रहे हैं, तो ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो अरे भाई रात्रि भोजन का त्याग है, मतलब त्याग है, पूरा त्याग है, खाली आप पानी पी लो बस, वो भी अगर छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बस पानी पियो। क्योंकि आपको क्यों आप त्याग है? क्योंकि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको सपोर्ट देना है, कंट्रोल देना है, बट हम नहीं करते वैसा। हम बोलते ना, ये रास्ता अगर बंद हो जाता है तो हम ये रास्ता अपना लेते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड कनेक्ट बैक टू आर रूट्स। तो गेटिंग बैक टू द पॉइंट, कि हमारा जो अब रोल क्या है, आज्ञा चक्र का रोल क्या है? आज्ञा चक्र का रोल है हमारे अंदर इंट्यूटिव पावर्स को डेवलप करना, हमारे अंदर क्लैरिटी लाना, साइकिक विजन लाना, हमारे अंदर इनसाइट लेके आना। और ये कैसे आता है? आज्ञा कंट्रोल्ड है किससे? हमारे गुरु तत्व से। तो जो जिन पर गुरु की कृपा है, और किन पर गुरु की कृपा होती है? जो अपने गुरु के मार्ग का अनुसरण करते हैं। गुरु कृपा उन्हीं को देता है जो 100% चाहे कुछ भी हो जाए, जो मार्ग उन्होंने दर्शाया है उस मार्ग पर चलते हैं, और उस मार्ग पर चलकर प्रगति
प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। उनको देख के और हजार लोग प्रेरित होते हैं कि वाओ मुझे भी ऐसा बनना है। तो जब एक इंसान इस तरह का बनता है तो उस पर गुरु कृपा होती है, और जिस पर गुरु कृपा होती है वो गुरु ऋण से मुक्त हो जाता है। मैंने बताया था तीन ऋण है, तो गुरु ऋण से मुक्त होने का सिर्फ एक ही तरीका है, गुरु के दर्शाए हुए मार्ग पर चलो। गुरु और कुछ नहीं चाहते, गुरु चाहते ही नहीं क्योंकि उनको कुछ चाहिए ही नहीं, वो गुरु इसलिए है क्योंकि उन्होंने सब चीज त्याग दिया है। और इसीलिए गुरु का स्थान भगवान के भी ऊपर बताया गया है, गुरु गोविंद दउ खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद यो बताए। जब गुरु और भगवान दोनों हैं तो भगवान खुद बोलते हैं कि नहीं, गुरु को पहले प्रणाम करो, प्रथम प्रणाम गुरु को। क्यों? क्योंकि अगर गुरु नहीं होते तो तुम मेरे को जानते ही नहीं, तो मुझे जानते ही नहीं, मुझे कहां प्रणाम करने आते। गुरु है तो उन्होंने बताया कि मैं कौन हूं, और इसलिए तुम्हारे अंदर मेरे प्रति भावना आई। तो गुरु सर्वश्रेष्ठ है, गुरु हमें रीबर्थ देते हैं। जब हमें गुरु से जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और हम उसके अनुसार जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में इतने बदलाव आते हैं, हमारा जीवन इतना उत्कृष्ट होता है। तो वो एक सही में रीबर्थ की तरह होता है, जो हमें खुद नहीं लोग देख के बताते हैं कि लग रहा है जीवन बदल गया, जीवन बदल गया। तो गुरु सर्वश्रेष्ठ है, और जिस पर गुरु कृपा होती है उसका थर्ड आई एक्टिवेटेड हो जाता है, उसकी छठी इंद्री जो है वो जागृत हो जाती है, उसके अंदर बहुत सारे पावर्स आ जाते हैं, इंट्यूटिव पावर्स, साइकिक पावर्स, इतनी सारी सिद्धियां उसके पास में आ जाती है कि आई हैव नो वर्ड्स टू टेल यू, द स्काई इज द लिमिट। बट हमें उस लेवल तक पहुंचना होगा। अब इम्बैलेंस कैसे होता है हमारे आज्ञा चक्र का, जब आज्ञा चक्र बहुत ब्लोन आउट है तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत सोचते हैं। आप कई लोगों को देखेंगे खाली सोचते ही, और अपने ही सोच के जाल में उधेड़ बुन में उधरे रहते, दुनिया में कुछ नहीं हो रहा, दुनिया अपनी परफेक्ट चल रही, बट वही सोच सोच के सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, वैसा हो गया तो क्या होगा। तो दे कीप ओवर थिंकिंग एंड क्रिएटिंग, एंड देन व्हाट हैपेंस, दे एंगेज देमसेल्व्स इन कलेक्टिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसका कोई फायदा नहीं है। आज गूगल बहुत बड़ी देन है हमें, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। हम दिन भर गूगल कर करके इतने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, बट वो इंफॉर्मेशन का फायदा क्या जब हम उसको अपने जीवन में उतार ना सकें। मेरे गुरु तो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि वो इंफॉर्मेशन का फायदा है जो मेरे जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन ऐड करती जाऊं और अपने आप को ज्ञानी का टैग बना लगा दूं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो इंफॉर्मेशन, वो ज्ञान जो मेरे जीवन को बदले और उसके कारण मैं अनेकानेक जीवन को बदल सकूं, वो ज्ञान रियल ज्ञान है, अदरवाइज सब अहंकार की बातें हैं। तो आज अगर हम ज्ञान प्राप्त करने जाएं तो पूरा जीवन बीत जाएगा, हम गूगल करते जाएंगे, साइट पे साइट आती जाएगी, हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, समझना तो बहुत दूर की बात है। बट इंपॉर्टेंट इज वॉट, एक सेंटेंस भी अगर आपको समझ में आया तो उसको अपने जीवन में चरितार्थ कीजिए, अनुसरण कीजिए उसका, उसको अपने दिनचर्या में लेके आइए और उसके हिसाब से अपना जीवन को जिए। अब अगर ब्लॉक हो जाता है आज्ञा चक्र तो क्या होता है, वो इंसान बहुत कंफ्यूज्ड रहता है, उसे कोई डायरेक्शन नहीं है, उसे कोई क्लैरिटी नहीं है, वो अपने अंदर के वॉइस को भी डिस्कार्ड कर देता है, वो डिसीजंस नहीं ले पाता, वो अपने जीवन में कुछ सीखने में सक्षम नहीं हो पाता। और रिश्ता किसके साथ, जैसा मैंने बताया गुरु के साथ रिश्ता, और मंत्र क्या है, ओम। ये हमारा पीनल ग्लैंड, यहां पर कहते हैं एक रॉड अगर हम यहां से घुसाएंगे और एक रॉड अगर यहां से घुसाएंगे, तो दोनों रॉड को जब हम घुसाएंगे तो अंदर में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारा पीनियल ग्लैंड है, वो हमारा पीनियल ग्लैंड है, और वहीं पे हमारा आज्ञा चक्र स्थित है। अब मुद्रा क्या है, ये मिडिल फिंगर को आप ओपन कर लीजिए, बाकी सारे फिंगर्स को आप इस तरह से बेंड कर लीजिए, इस तरह से, और इसको आप अपने चेस्ट और हार्ट के बीच में आप ऐसे इसको यहां पे रखें और आंखें बंद करें
और विजुअलाइज करें कि आपके दोनों भुवों के बीच में इंडिगो कलर का दो पेटल का गुरु तत्व से ओतप्रोत आज्ञा चक्र है। ध्यान करें अपने आज्ञा का और चांट करें ओ। और अब ध्यान लेके आए अपने दोनों पेटल्स का। हम छम हम छम हम छम। और अब गाइडलाइंस फॉर बैलेंसिंग आज्ञा। तो जब अभी हमने आज्ञा पर ध्यान किया तो क्या आप विजुअलाइज कर पाए इंडिगो कलर का टू पेटल का लोटस आपके आईब्रोज पे, और आप मंत्र को के वाइब्रेशंस को फील कर पाए? तो उससे पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से मेडिटेट कर पा रहे हैं और आज्ञा पर ध्यान दे पा रहे हैं। और तत्व शुद्धि हमें किसी करनी, गुरु तत्व की शुद्धि करनी है। और कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, गुरु ने जो आपको मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर का आप अनुसरण करें। और दूसरा, आज्ञा चक्र को हमें एक्टिवेट करने का एक और बहुत सुंदर तरीका है, वो है सन गेजिंग। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था और आज भी हमने सूर्य भगवान के बारे में चर्चा की थी कि सूर्य भगवान अनकंडीशनल है और प्योरेस्ट ऑफ द प्योर है। आज जितने भी तत्व हैं वो सब प्रदूषित हो गए हैं, चाहे धरती तत्व हो, चाहे जल तत्व हो, चाहे अग्नि तत्व हो, चाहे वायु तत्व हो, सब में कुछ ना कुछ प्रदूषण का पुट आ गया है। लेकिन जो सूर्य की जो किरणें आती हैं वो अभी तक प्योर है। तो जब हम सूर्य, लेकिन कब, किस टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अर्ली मॉर्निंग, जब बिल्कुल सूर्य भगवान जब उदय होते हैं, एकदम उगता हुआ जब सूर्य है, उनके प्रति जब हम उनको जब देखते हैं और त्राटक लगाते हैं, और उनसे जब हम अपने दोनों नेत्रों में और अपने थर्ड आई पे जब हम एनर्जी लेते हैं, तो हमारा आज्ञा चक्र है वो बहुत एक्टिवेटेड हो जाता है। उसका कारण क्या है कि हमारी जो आईज है और हमारा जो ब्रेन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जो हमारे आईज से जा रही है वो सीधा हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर रही है। इसलिए आप देखेंगे सबसे विचलित जो सेंस ऑर्गन हमारा है वो है हमारा आंख। इसे ध्यान में सबसे पहले क्या करते हैं, जो नए नए लोग ध्यान करते हैं, कर रहे होते हैं, बाकी आप जब एकदम एक्सपीरियंस हो जाएंगे तब तो आप चलते चलते खुली आंख में भी आप हर समय समाधि की स्थिति में रहेंगे, हर समय आप बिल्कुल एक ध्यान की स्थिति में रहेंगे। बट जब हम नए नए होते हैं और हमें प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले आंख बंद कराया जाता है, क्योंकि ये सबसे भटकाने वाली सेंस ऑर्गन है। तो हमारा आईज और हमारा ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जब हम आईज से हम ले रहे हैं सूर्य भगवान की ताकत को, तो डायरेक्टली हमारे ब्रेन पे जा रहा है और हमें एक्टिवेट कर रहा है। प्लस जो बहुत अच्छा तरीका है वो त्राटक, कि आंख को बिना झपकाए, बिना वो किए, जब आप कोई भी एक बिंदु पर आप ध्यान देते हैं और उस पर कंटिन्यूसली गेज करते जाते हैं, त्राटक लगाते हैं, तो त्राटक लगाने से भी आपकी थर्ड आई बहुत एक्टिवेटेड होती है, आपका गुरु तत्व जो है वो शुद्ध होता जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, वो है स्टेइंग अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो सब रेज एमिट करती हैं, और ये रेज क्या कर रही है, हमारा जो पीनियल ग्लैंड है ना उसको कैल्सिफाई करती जा रही है। हमारा पीनियल ग्लैंड है एकदम सॉफ्ट पल्सेटिंग, एक्चुअल में पीनियल ग्लैंड बहुत सॉफ्ट और बहुत पल्सेटिंग है, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो कैल्सिफाई होता जा रहा है, हार्डन होता जा रहा है। क्यों? इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को प्राप्त करके। तो पीनियल ग्लैंड जितना हार्डन होता जाएगा, हम
हमारा थर्ड आई एक्टिवेट उतना डिफिकल्ट होगा, हमारा मेडिटेशन उतना डिफिकल्ट होगा। और मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं, जो हम ये पूरे चक्र का जो जितना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं और जो मेडिटेशन कर रहे हैं और अपनी दिनचर्या में जो चीजों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है कि हम अपने पीनियल ग्लैंड को हम वो कर सके, पल्जेट करा सके, उसे हम बिल्कुल सॉफ्ट बना सके। लेकिन ये गैजेट्स जो है उसको कैल्सिफाई करते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बैलेंस है जो हमें स्ट्राइक करना है। आज इट इज वेरी ट्रू कि वी कांट लिव विद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इनफैक्ट ये थैंक्स टू दीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ओनली कि आज हम और आप इतने दूर दूर से कनेक्ट हो सके। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इस तरह से हम कनेक्ट हो पाएंगे, वो भी इस तरह के पैंडेमिक सिचुएशन में, बट थैंक्स टू these kind of creations, these kind of innovations. But then वापस से मैं कहूंगी balance is the law of nature. अब आपको जानना है कि कितना जरूरी electronic gadget आपके जीवन में, कितना देर तक उसका प्रयोग करना है, और जब प्रयोग नहीं करना तो उसको दूर कर दीजिए। मैं लोगों को देखती हूँ घंटों घंटों फेसबुक में देखते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को देखते रहते हैं जिनको ना जानते हैं ना पहचानते, बस देखे जा रहे देखे जा रहे हैं, साइट्स को सर्फ किए जा रहे हैं सर्फ किए जा रहे हैं। मत कीजिए ऐसा, इट इज क्रिएटिंग अ ग्रेट डैमेज टू यू। अपना इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ टाइम को था फिक्स कर दी। आज का इलेक्ट्रॉनिक हमारा सबसे अभिन्न अंग, कहते थे श्वास हमारा अभिन्न अंग है, अब श्वास का तो कुछ पता नहीं, ऑक्सीजन लेवल सबके सब हेवायर जा रहे, अभिन्न अंग क्या बन गया, हमारा बेस्ट फ्रेंड क्या बन गया, हमारा मोबाइल फोन जिसको हम हमेशा अपने ऐसे चिपका के रखते हैं, बट हमें पता नहीं वो इतने खराब रेस को एमिट कर रहा है, और जिस जगह में हम उसे डाल के रखते हैं पॉकेट में, यहाँ के पॉकेट में, पैंट के पॉकेट में, वो उस जगह को डैमेज कर रहा है अपनी वाइब्रेशंस के कारण, और लोगों को वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है जहां पर वो मोबाइल फोन्स हमेशा रखते हैं, रात में भी उसे इतना पास में रखते हैं पूरी रात। आजकल लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई, क्यों हो गई है, क्योंकि वो फोन का जो रेज है वो आपके अंदर में जा रहा है, फोन छुट्टी at a good distance, वो रेज आपके अंदर नहीं आना चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। और फिजिकल हेल्थ क्या, हमारे ब्रेन्स, हमारा आईज, हमारे ईयर्स, हमारा नोज, हमारा पीनियल ग्लैंड, ये सब अगर स्वस्थ है तो इसका मतलब हमारा आज्ञा चक्र स्वस्थ है। इमोशनल हेल्थ, अगर आज्ञा चक्र स्वस्थ है तो हमें क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है, हमें बिल्कुल पता है हमें करना क्या है, हमें अपना जीवन का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होता है, हमारे डिसीजन मेकिंग पावर्स बहुत अच्छी होती है, हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होता है जिसके कारण हमारे अंदर इंट्यूटिव पावर्स आती है, हमारे अंदर क्लेयरवॉइंट फैकल्टीज डेवलप हो जाती है, हमारे अंदर अनेकानेक सिद्धियां आती है, स्काई इज द लिमिट, मैं बोलने जाऊंगी तो बस एंड नहीं होगा और समय बढ़ता जा रहा है, तो देयर इज नो एंड जो हमको बेनिफिट्स मिलेंगे। और वर्ल्डली अचीवमेंट क्या, वी बिकम वेरी गुड हीलर्स। आज जितने भी हीलर्स हैं वो सबका थर्ड आई बहुत पावरफुल होता है, उनपे गुरु कृपा बहुत होती है, उनका इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग होता है। और रिलेशनशिप किसका है, किसके साथ में, गुरु कृपा, ग्रेस ऑफ गुरु, जिनका आज्ञा चक्र अच्छा होता है उन पर गुरु कृपा होती है। और योगिक क्रियाएं क्या, आसन, जो भी आसन आप अगर त्राटक लगा के करते हैं तो त्राटक लगाते ही आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम हमारे आज्ञा चक्र को काफी हद तक एक्टिवेट करता है, और मुद्रा तो हमने अभी जस्ट डिस्कस की थी। और एफर्मेशंस फॉर आज्ञा चक्र, आई हैव फुल क्लैरिटी, आई एम ओपन टू विजडम, I follow my guru's guidance, I receive the grace of my guru, my intuition always guides me.